और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। वो सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो के हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। चलो कि जी, एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था और इसको जो है वो किसी ने जहर दिया। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में, ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। साजिद मीर क्योंकि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया, तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर दे के भाग गया। आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है। तो बिल्कुल आपकी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि बहुत आसान है कि इंडिया पर इसका ब्लेम धर देना और इंडिया को मोटे इल्जाम ठहरा देना, ये हमारे अपने भी फेलियर्स है, बट मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। हमें खुद जो है वो अपनी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करना है। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना, मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया, इनको लगा था जेल में रख देंगे कि तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू, अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होंगे तो हम तैयार होंगे, रेडी होंगे और हमने मिशन को कंप्लीट करना है। हमारे 175 लोग मारे गए थे जिसमें से 18 पुलिस वाले थे, 122 सिविलियंस थे, 26 फॉरेनर्स थे और 9 आतंकवादी थे। इसमें 9 आतंकवादी जो थे पाकिस्तान के थे। एक चीज और, 2 इंटरपोल के नोटिस थे इसके खिलाफ और यूएपीए में इंडिया ने इसको वांटेड बताया था। पाकिस्तान में अब आतंकवादी तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लगातार आतंकवादियों की हत्याओं से खौफ में है। चलो कि जी, एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था और इसको जो है वो किसी में जो भी जहरवर किया था वो दे दिया गया। इसलिए कि इस तरह के लोगों का सफाया पाकिस्तान से होना बहुत जरूरी है और लग यही रहा है कि इस बार गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर सफाया कर रही है और जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके लिए यकीनन फायदा जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का होगा बल्कि पाकिस्तान का भी होगा, क्योंकि इन लोगों से नुकसान तो हमें भी हो रहा था। ये और बात है कि हम मानते नहीं थे, खैर अब तो मान गए ना, तो अब यकीनन मान गए हैं, तो फिर इसी वजह से इन लोगों को एक एक कर को अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में, ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने, उन्होंने कहा ये तो मर गए, ये तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व्ड इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था, फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दिए और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है, कब्र में चला गया है। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया ये कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि दिस मैन इज अलाइव एंड इन योर कंट्री एंड रूमिंग अराउंड फ्रीली एंड फेयरली
ऐसे जैसे कि हमने तो तोप का काम किया है एक टेरर अटैक करने के बाद में, खैर तब माने। फिर पता चला कि हमने यूएन में जाके अप्रोच किया, हमने कहा इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का डिक्लेयर करना चाहिए, पर चाइना बैकआउट कर गया, चाइना ने वो ब्लॉक कर दिया रेजोल्यूशन जिससे कि हम इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे सकते थे, वहां पे भी कहानी हो गई। चलिए उसके बाद फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया, इनको लगा था जेल में रख देंगे कि तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। बहुत स्मार्ट मूव किया गया था, जो रसोईया था उसने कब पॉइजनिंग कर दी साजिद ने इसकी किसी को पता नहीं, और जैसे ये हॉस्पिटलाइज हुए वो रसोईया गायब हो गया, ही इज नोवेयर टू बी ट्रेस्ड। कहां है वो रसोईया जिसने इनको पॉइजनिंग दी? पॉइजनिंग अपार्ट फ्रॉम किलिंग, टारगेटेड किलिंग दैट इज थ्रू वेपन्स, चाहे वो चाकू से गोदना हो, चाहे वो बंदूक से मारना हो, या अब तीसरा जो नया, मतलब नया नहीं पहले भी होता रहा है, बट द दिस थिंग वॉज यूटिलाइज, क्योंकि उनको लगा जेल में रख देंगे तो यहाँ पर तो कोई पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखो, जब हमें घुसकर मारना है तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली कूचे खोपचे में छुपा कर रख लो, तो मार तो हम देंगे। रसोइयों को लिया अपने खोपचे में, उसको सारी चीजें दी, उसको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसके कौन से खाने में क्या मिलाना है कि वो 72 हूरों की उसमें पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए। लेकिन आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गिली हो गई है, सॉरी टू से, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्योंकि इनको लगा था इनके जो जेल्स हैं, क्योंकि हाफिज सईद को क्या किया, जेल में डाल दिया, किसका भी नाम लो जेल में डाल दो, उसको नाम लो जेल में डाल दो, क्यों? क्योंकि जेल में ना आपको एसी लगाकर और ठुमक के लगाने वाली लड़कियां भी मिल जाती हैं, आपका 24x7 एंटरटेनमेंट भी होता है, बिरयानी अलग से परोसी जा रही है, आपके हाथ पैर दबाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, सो जो आपको जेल में फैसिलिटीज है ना वो आपको बाहर में भी नहीं मिलती है। बाहर में तो थोड़ा डर रहता है कि भाई कोई अज्ञात हमलावर आकर आपको टपका कर चला जाए, आपके अपनों में ही कोई मार दे दुश्मनी निकालने के लिए पिछली कोई, कि आपने किसी की बेटी उठा ली थी, या आपने किसी के साथ गलत कर लिया था, या आपने किसी के फैमिली मेंबर को मार दिया था, तो बाहर में तो खतरा रहता है, जेल के अंदर तो आप एकदम ही सिक्योर्ड हैं, और वो भी पाकिस्तान की जेलों में। गॉड, आसिम मुनीर तो आपके हाथ पैर के पीते होंगे, आफ्टर ऑल आप लोगों के ही नाम पर ये लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं ना, कि हम पूरी दुनिया को, साजिद मीर क्योंकि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर दे के भाग गया वो आदमी, यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तो करम उंगले की आज तो का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज, और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता, इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफकोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था, वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी, जैसे कि आपके पास से एहसान उल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और ISI ने एयरलिफ्ट करके इसे CMH बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोईया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था, इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे UN से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना, तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया,
और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ अस्कर को, अजहर मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को, धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे।